आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है और वो नाम है वरुण गांधी का नाम। लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज वरुण गांधी के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि आजकल वो कांग्रेस और सपा को काफी पसंद आने लगे हैं। अपनी सरकार के खिलाफ लंबे समय से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और एक बार फिर से उनके निशाने पर अपनी ही सरकार है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका आक्रामक तेवर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही शुक्रवार को बीजेपी सांसद ने लखनऊ में चल रहे शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए योगी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वरुण ने एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के हित की आवाज उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों का योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनावों में याद आते हैं? आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है कि वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रदर्शनकारियों की कोई आवाज उठाई हो। दरअसल वरुण की असहमति के पहले संकेत उनकी मां मेनका गांधी को 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने के बाद सामने आए थे, जब उन्हें उनके हक से भी वंचित कर दिया गया था। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री के पद के लिए संभावित माना जा रहा था। तब से वरुण ने भाजपा शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और लगातार अपनी सरकार पर हमलावर है और जोरदार तरीके से हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।